आप इस योजना के अंतर्गत सोनपुरा पंचायत में कितना विकास हुआ, इस संदर्भ में मुखिया प्रतिनिधि ने भोजपुर दर्शन से बातचीत की। मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि जो भी सातवीं से योजना के अंतर्गत विकास कार्य है उसमें काफी तेजी लाई गई है और जो अधूरा है उसे भी पूरा किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज भोजपुर दर्शन कैमरा टीम पहुंची है सोनपुरा गाँव में। आज बात करते हैं मुखिया से, जो चंद्रभूषण जी है, सातवीं योजना में कितना अभी तक विकास हुआ? सर बताया जो सात नीचे योजना, जो बिहार सरकार की योजना जो भी चल रही है तेजी से, अभी तक कितना विकास हुआ आपके पंचायत में? सोनपुरा पंचायत उद्यंत नगर भोजपुर, सोनपुरा पंचायत के वर्तमान मुखिया पति चंद्रभूषण यादव बोल रहा हूँ। अभी हमारे पंचायत में टोटल 6 वार्ड चयनित हुआ है, जिसमें 4 वार्ड में काम चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। और जो सरकार का सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग पालन कर रहे हैं, उस सिस्टम से हम लोग काम करा रहे हैं, काम चल रहा है, काम चल रहा है। शौचालय की बात किया जाए, अभी जोर तोर से अभी बिहार सरकार की योजना है कि शौचालय हर घर में लग जाना चाहिए, तो क्या आपके पंचायत में हर घर में शौचालय लग गया होगा? नहीं, ये तो अभी नहीं लग पाया है, इसमें कुछ असुविधाएं आ रही है। क्या असुविधा है? हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि हर घर में शौचालय बनवाया जाए, हर व्यक्ति शौचालय बनवाए, शौचालय यूज करे, ताकि समाज में गंदगी न फैले, समाज में गंदगी की वजह से रोग न फैले। मगर कुछ जनता भी शिकायत कर रहे हैं कि नहीं, जो शौचालय का राशि मिल रहा है वो पहले दिया जाए। कुछ जनता शिकायत कर रहे हैं कि जो शौचालय बना हुआ है उसका पैसा नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से कार्य थोड़ा बाधित है। हालांकि हम लोग का सोनपुरा पंचायत में 3 महीने का टारगेट मिला है कि 3 महीने में शौचालय को बनवा लिया जाए और सोनपुरा पंचायत को ODF करवा लिया जाए। मुखिया जी, बात आती है शौचालय की जो योजना है, हर ग्रामीण के खाते में राशि चल जाना चाहिए, लेकिन ग्रामीण के कहना कि अभी तक खाते में पैसा नहीं है। जी, ये तो मतलब कि अभी सोनपुरा पंचायत में शौचालय बहुत कम बना हुआ है। जो बना हुआ है ऐसा तो अभी हमारे पंचायत में कोई शिकायत नहीं आया है, जो पहले था उसको पेमेंट करवाया गया है जी, लेकिन अभी ऐसा कोई शिकायत हमारे यहाँ नहीं आया है। अभी हम लोग चाह रहे हैं, हर घर में घूमकर प्रचार कर रहे हैं कि शौचालय बनवाया जाए, शौचालय बने और समाज को सुरक्षा सुविधा मिले और समाज स्वस्थ रहे। बात आती है मुखिया जी, बिहार सरकार की योजना है कि 15 अगस्त तक हर घर में शौचालय हो जाना चाहिए आजादी से पहले, तो क्या आजादी से पहले या आपका सोनपुरा पंचायत ODF पूरा घोषित कर दिया जाएगा? सर, ये तो बात, आजादी हर साल हम लोग मनाते हैं और मनाने का वजह भी है, खुशी से धूमधाम से भी मनाते हैं। हम चाहेंगे, हमारा भरपूर सहयोग रहेगा, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हम अपने जनता से जाकर मिलेंगे, जुलेंगे, समझाएंगे कि आजादी के पहले हम लोग सोच लें तो अपना पंचायत को कर लें। जी सुनिए, ये कहना है सोनपुरा पंचायत के चंद्रभूषण जी से, हम कोशिश करेंगे लेकिन अब तक होगा नहीं। ये मुखिया जी, कोशिश करेंगे हम, करना हमको नहीं है जी, हमको जो करना है वो कर रहे हैं जी, हम अपना कर्म कर रहे हैं, जनता को काम करना है जी, जहाँ जनता को त्रुटि है वहाँ हमारा सहयोग करना है, सहयोग करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। जहाँ कोई दिक्कत आती है उस दिक्कत को हम समझने के लिए, उसको आगे पहुँचा, उस आवाज को आगे पहुँचाने के लिए हम तैयार हैं। मुखिया जी, बात एक आती है कि नल जल की योजना, नल जल की योजना अभी तक कहाँ तक घर तक पहुँचा आपका? नल जल का योजना 4 वार्ड में चल रहा है अभी, 4 वार्ड में मतलब कि लमसम काम पूरा होने वाला ही है, कुछ दिन में पूरा हो भी जाएगा। 3 के वो माना जाए कि अभी तक हो गया होगा लगभग? लगभग 1 वार्ड या 2 वार्ड में हमारा काम क्लियर हो चुका। तो क्या आपका पंचायत ODF घोषित कर दिया गया? नहीं, हम ये कैसे कह दे कि ODF घोषित कर दिया गया? आपका कोई मतलब यही है क्या, ODF घोषित कर दिया गया? नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, ODF हुआ नहीं, और हम कह सकते हैं कि ODF हमारा पंचायत घोषित हो गया। हम लोग लगे हुए हैं, भरपूर प्रयास हम लोग का है कि हम लोग आजादी मनाने से पहले अपने पंचायत को ODF कर ले, घोषित कर दे, घोषित कर दे। बात आती है मुखिया जी, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास अभी कितना अभी तक जनता के बीच में प्राप्त काम हुआ है? अभी गरीबों को कितना छत दिवाई अब तक? 2.5 साल हमको जीता हुआ हुआ, मगर इसमें देखिए, हम लोग आम सभा के माध्यम से इंदिरा आवास का सूची निर्गत करते हैं जी, और निर्गत करने के बाद जो दिया जाता है लमसम 50-60 बेरोजगार या गरीब गुरबा को दिया जा चुका होगा,
ये तो लिस्ट देखने के बाद इंदिरावास में काफी घोटाला देखा जा रहा है जी। ये तो हम कंप्लेन भी एक दो बार वीडियो साहब यहाँ कर चुके हैं, जबकि हमारे पीछे जीते हुए थे, नए हम उम्मीदवार जीते हुए थे, जीत कर आए थे, उसमें कुछ सिस्टम हमको मालूम था या नहीं था, उसी की वजह से कुछ बिचौलिया लोग इसमें कौन से बिचौलिया गड़बड़ किया था। बिचौलिया कौन थे? बिचौलिया का नाम हम लोग लोकल पंचायत प्रतिनिधि हैं और इसमें बहुत सारा नीतियां आती है और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम चाहेंगे कि समाज को मिला जुला कर चले और समय आएगा तो हम बिचौलिया का नाम भी बता सकता हूँ। नाम अभी नहीं बता सकते, गुप्त रखिएगा यही नाम। गुप्त रखना इसलिए जरूरी है कि मानकर चलिए कि हम ऑलरेडी पहले से कंप्लेन कर चुके हैं कि सर हमारे पंचायत में ऐसा ऐसा धांधली हो रहा है, धांधली हो रहा है, वो हमारे पास रिसीविंग भी है और उस पर कार्रवाई भी हुआ मगर जोर शोर से नहीं हुआ, हालांकि बहुत सारे तो नहीं लेकिन क्या इसके बारे में विकास डीडीसी से आपने वार्ता हुई कभी? उस विषय में डीडीसी से वार्ता नहीं हुई, उस विषय में डीडीसी से वार्ता नहीं हुई और सब लोग को पेमेंट कर दिया, इसके वजह से हम लोग का डीडीसी के संघ से मुखिया संघ हमारा उद्यवंत नगर मुखिया संघ इनसे बात हुआ तो बोला गया कि ठीक है इस पर सुधार किया जाएगा, बीडियो साहब से बात हुआ तो ठीक है इस पर सुधार किया जाएगा, आम सभा में बीडियो साहब द्वारा समझाया गया कि आम सभा पास हो गया है उसको देना है, हालांकि आम सभा में हमको इस बार 21 तारीख को हम आम सभा करवाए थे इंदिरावास लाखों को देने के लिए जो कि गरीब गुरबा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देना है, उसमें हम प्रोसीडिंग पढ़े थे, पहले होते तो हम आम सभा के तो उसमें कुछ अनुभव नहीं था मगर इस बार प्रोसीडिंग पढ़े तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर लाभार्थी नाजायज पाएगा तो उसको काट दिया जाएगा, लेकिन उस समय में हमको ये जानकारी नहीं था। मुखिया जी बात आती है बाढ़ का, जो आपका पंचायत मिलाकर है बाढ़ का, क्या पहले के जो राशि है पंचायत में क्या ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुंचा थे, क्या आने वाले भविष्य में जो बाढ़ आने वाला है क्या लगता है ग्रामीण के बीच में जाएगा? देखिए बाढ़ सुखाड़ हमारा जो पंचायत है बाढ़ सुखाड़ दोनों से ग्रसित है जी, बाढ़ आएगा फिर भी सुखाड़ हो जाता है जी, सुखाड़ आएगा तो सुखाड़ तो हो ही गया, मगर हम कई बार इस आवाज को उठा भी चुके हैं, चाहे विधायक जी का मीटिंग हो या पंचायत समिति का बैठक हो, हर चीज में हम इस आवाज को उठा भी चुके हैं, मगर हमारा दुर्भाग्य कहिए या हमारा पंचायत का दुर्भाग्य कहिए इसमें हमको अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग यानी कोई देखा जाए कि आपका विधायक बात को उल्लंघन कर रहे नहीं, ये नहीं कर सकता कौन है मतलब यही ना है सर, विधायक जी क्या कहेंगे, विधायक जी कहेंगे कि नहीं इसको बाढ़ में जब ग्रसित है तो बाढ़ नहीं दिया जाए तो बोलबे करेंगे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग को नहीं मिल रहा है, बाढ़ जब आया बाढ़ घोषित हुआ तो पूरा उद्यवंत नगर ब्लॉक में जितना भी इलाका है बाढ़ क्षेत्र वो सारा घोषित होता है कि बाढ़ में डूब गया ये हो गया वो गया, मगर हमारा संपूरा पंचायत का जो भी क्षेत्र है ऐसे देखा जाए तो निजी हमारा संपूरा पंचायत के बीच रास्ता से एक नदी जाती है और एक साइड से भी नदी जाती है, दोनों तरफ से हम लोग का नुकसान है मगर हमारा किसी जनता का इस चीज का लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? हम आवाज उठाने के बाद भी बोला जाता है कि नहीं वहां पर बाढ़ नहीं आता है, कुछ लोग अब उनको बिचौलिया कहिए या जो कुछ भी कहिए बोलता है लोग नहीं यहाँ पर बाढ़ नहीं, हालांकि हकीकत देखा जाए तो बाढ़ यहाँ तक आता है और बाढ़ से फसल क्षति भी होती है, यही माना जाए आपका बात को उल्लंघन किया जाए जी, कोई बात नहीं सुना जा रहा जी, ये तो आपसे ग्रामीण को काफी अपेक्षा लगा के बैठे हुए कि मुखिया जी आएंगे कुछ दिवाएंगे जी, क्या अब तक ग्रामीण को दिवाइएगा? ग्रामीण को दिवाने के जो सिस्टम सरकार का चल रहा है जो फंक्शन सरकार का चल रहा है उस सहयोग से हम लोग दिवा रहे हैं। मुखिया जी एक बात और आती है, उधर तो प्रखंड ब्लॉक में देखा जाए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है सरकार के नियम के डोर बाई डोर आंगनबाड़ी केंद्र में बनाया जाएगा, लेकिन देखा जाए कि जो कर्मचारी है वहाँ पर कुछ घूस की मामला भी आ रही है। देखिए सर ये तो सही बात है, हम लोग आवाज उठाते हैं बुजुर्ग साहब के यहाँ आवाज उठाते हैं, अभी तो एक दो बार डीडीसी साहब के यहाँ मीटिंग है, श्रीमान शशि शुभकर जी भी आए उस समय से हम लोग एक दो बार मीटिंग में बैठे, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ती है उस जगह पर कि हम चाहे कोई पंचायत हो विशेष जानकारी तो हमें अपना पंचायत क्या है, अपना पंचायत में कहें अपना ब्लॉक में कहें स्टाफ या कर्मचारी जो भी मुखिया के अंदर है चाहे किसान सलाहकार हो पंचायत सचिव हो या रोजगार सेवक हो जो भी पंचायत में आने का बहुत कतराते हैं इसके वजह से हम लोग का पंचायत का कार्यभार बाधित होता है।
और जनता परेशान होती है। हालांकि इस आवाज को हम एक बार नहीं कई बार उठा चुके हैं, फिर भी इस आवाज को बुलंदी तरह से नहीं देखा गया। ये चंद्रभूषण जी का कहना है कि 7 निश्चय योजना में बहुत ही पीछे है गांव सोनपुरा गांव। क्या नीतीश कुमार के सपना रह जाएगा सोनपुरा गांव का 7 निश्चय योजना? ये तो देखना है आने वाला भविष्य में 15 अगस्त तक क्या उद्योग हो जाएगा घोषित? ये तो चंद्रभूषण जी बता सकते हैं कि क्या 15 अगस्त तक उद्योग घोषित कर दिया जाएगा सोनपुरा गाँव। मुखिया जी एक बात और आती है, आपके पंचायत में जो वृद्धा पेंशन की मामला है बहुत पीछे की मामला बताया जा रहा है। जी मेरे प्रखंड में नहीं, मैं अनुमान लगाता हूँ पूरा बिहार में है ऐसा सिस्टम। वृद्धा पेंशन आपके पंचायत में क्या मामला चल रहा है? बहुत बदतर है, इसको बहुत बदतर है, बहुत कहिए मत, बहुत इतना वृद्धा। आप इस पंचायत के मालिक है, मुखिया है, क्या पीवी क्या क्या हो रहा है? 2 बार हम लोग ब्लॉक पर धरना दे चुके हैं इसके लिए कि हम लोग का गरीब गुरबा जो पेंशन बना है उनको पेंशन दिलवाया जाए, पेंशन दिलवाया जाए, पेंशन लाभुक जा रहे हैं कि खाता जोड़ा जाए, ये जोड़ा जाए, वो जोड़ा जाए, यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा, गुमराह करके अभी तक किसी को पैसा नहीं आया। जब मुखिया के साथ आवाज के हम लोग 2 बार 3 बार धरना दिए वहाँ पर, हालांकि अभी 2-4 दिन बाद कल हम लोग का मीटिंग है, मुखिया संघ का ब्लॉक का मीटिंग है कल, और उसके बाद हम लोग उस पर विशेष तौर पर पेंशन के लिए ही मीटिंग रखे हुए हैं कि हम लोग किसी हर हाल में सरकार से आग्रह करें, निवेदन करें, नहीं तो ये भी हम लोग अपना हौसला बनाए हुए हैं कि अगर पेंशन नहीं आ रही है तो हम लोग जिला स्तरीय स्टेट स्तरीय कमेटी बनाकर अपने संघ से बातचीत करके और इसके लिए हम करें धरना के लिए भी हम प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। जो वृद्ध लोग हैं काफी आपसे अपेक्षा लगा के बैठे हुए कि मुखिया जी हमको पेंशन दिवाएंगे, लेकिन देखा जाए काफी दिनों से पेंशन रुका हुआ है, क्या लगता है मुखिया पेंशन दिवा पाएंगे? देखिए हम लोग तो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि पेंशन हम लोग दिलवाए, मगर अब सरकार का सिस्टम क्या है, हम लोग जो सरकार कर रही है उसी को पालन करना है। हम लोग हल्ला करिए कर क्या करेंगे जबकि सरकार दे ही नहीं पाएगी। हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा जो भी पंचायत का जनता हो, गरीब गुरबा हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो या विधवा हो, वृद्ध जो पेंशन बनता है वो हो या विधवा पेंशन बनता है वो हो, सब लोग को पेंशन जो मिलता है वो मिले। अभी सरकार सिस्टम नया बनाई हुई है जीवन प्रमाण पत्र बनाने की, हर साल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाए ताकि उस व्यक्ति को पहचान हो कि ये व्यक्ति जिंदा है। जी जी उसमें हम लोग लगे हुए हैं जोर शोर से कि हर पंचायत, मेरे पंचायत के जितना भी पेंशनधारी हैं सभी लोग को पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र बनाकर उसको संलग्न करें, और श्रीमान मेरे ऊपर जो भी अगला पदाधिकारी हैं, BDO साहब हों या DDC महोदय हों, जो भी हो उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग का लाभुक का पेंशन दिलवाया जाए। मुखिया जी चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, 2.5 साल आपको जीते हुए हो गया, बच गया 3 साल, अभी तक कितना काम किए अभी तक जनता के बीच में अपने तरफ से? सरकार की योजना नहीं बता रही, मैं आपके तरफ से बोली क्या कन्या योजना, जो लड़की गरीब बच्चे का पढ़ाई लिखाई में कितना देर पीछे आपका गांव, कितना काम अपने स्तर से किया अभी तक? जी इसमें तो काम हुआ बहुत अपने स्तर से, बिहार सरकार की योजना नहीं बता रहे आपको? जी हम लोग भी अपने स्तर से कुछ काम किए हैं। क्या जैसे मैं बता दिया एक दो में जैसे बताने के जो बताइए उसे बता सकते हैं। कन्या के अभी ब्याह कितना के जो गरीब बच्ची हो? गरीब बच्ची हो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, जैसे कि हमारे पंचायत में जो भी लड़की गरीब परिवार का है उसको शादी ब्याह ठीक होता है 1,500, 2,000, 4,000 जो जिसका मतलब कि जो देखते हैं 2,000-5,000 का हम लोग मदद करके उसको सहयोग करके हम लोग शादी ब्याह कराते हैं। अब नाम रखते जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा जी, तो और समाज के लिए हम लोग बने हैं, समाज को सेवा ही करना है हम लोग का, हर संभव चाहेंगे कि हम लोग समाज का सेवा। लेकिन ग्रामीण कहते हैं मुखिया जी क्या बीच में रहते नहीं कि जनता दरबार कभी लगाते नहीं आप? नहीं ये तो खैर कोई कहता होगा मगर ग्रामीण से पूछिएगा, हम तो नहीं, हमारा आरा कोई डेरा है नहीं पटना कोई डेरा है, हमारा जो भी है यही कुटिया में रहते हैं, टूटा फूटा कहिए या जो कुछ भी कहिए इसी कुटिया में हम सुबह शाम 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, हर समय तक जनता को सेवा में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक जो भी कार्य हो, जनता चाहे प्रमाणित करना हो किसी व्यक्ति को आधार कार्ड बनाने के लिए प्रमाणित करना हो या
कोई पेंशन के लिए कह रहे हैं उसको पेंशन भरवाना हो या समझाना हो, जो भी सरकार का सिस्टम हो, समझाने के लिए कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जी हम बता दें कि संपूरा पंचायत में बहुत साथ नहीं चाहिए योजना जो चल रहा है, काफी पीछे काम चल रहा है। कैमरा मैन शंकर कुमार के साथ में विकी कुमार संपूरा।